फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। एक लेक्चर आपको मिल चुका है, ये करंट अफेयर्स का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और अभी फिलहाल हम जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ाएंगे, आर्थिक घटनाक्रम, साइंस टेक का, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, खेल, यानी कि टॉपिक वाइज आपको हम सारी चीजें कवर करा देंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां से आएंगे, क्योंकि जनवरी से लेकर के अगस्त तक का हम आपको पूरा करंट कवर करा रहे हैं। और संभावना इस बात की भी है, क्योंकि अभी हाल ही में बीओ का एग्जाम हुआ है, तो उसमें एकदम तत्काल का करंट पूछा गया था, जनवरी फरवरी मार्च तक का, ठीक है। तो कोशिश ये है कि समीक्षा अधिकारी में भी जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वही पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो हम लोग उसी को फोकस करते हुए इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक से, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि 20 प्लस लगभग 20 22 या 24 या 25 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे ही पूछे जाने हैं, ठीक है। ये संभावना है, ठीक है। अब आयोग है, पता नहीं उसकी मंशा क्या हो, कभी बिगड़ जाए तो मतलब वो कम ज्यादा भी कर दे, ठीक है। लेकिन जो संभावना है, जो एवरेज है, वो इतना निकल के आता है कि 20 प्लस जो है 20 से 25 के बीच में करंट के क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप लोगों के द्वारा व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी पूछा जा रहा है, एक सवाल कॉमन सवाल हो गया है कि क्या 2016 की परीक्षा में, जो समीक्षा अधिकारी की 2016 की परीक्षा हो रही है, री एग्जाम हो गया है, जिसका पेपर कैंसिल हो गया था, जो कि 13 सितंबर को होने वाली थी, अब वो 20 सितंबर को होगी, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग, क्या माइनस मार्किंग लागू होगी? तो दोस्तों, अभी इसका सही जवाब या उचित जवाब देना मुश्किल है, ठीक है। हालांकि ये आयोग में इस बात की सुगबुगाहट चल रही है, चर्चा हो रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक जो है आयोग ने किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि विज्ञापन पुराना है, उस समय नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं थी, ठीक है। तो अगर उस आधार पर देखा जाए तो उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आयोग है, ठीक है, और आयोग के माननीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला लेंगे वो हम लोगों को मान्य करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा देनी होगी, ठीक है। तो अभी तक कोई फैसला लिया नहीं गया है। जो भी सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और मैं तो ये कहूंगा, नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो हमें माइनस मार्किंग और पॉजिटिव मार्क्स क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। होगी तो ठीक है, अगर होगी तो हम नहीं करेंगे सारे क्वेश्चन, नहीं होगी तो हम सारे अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। और अगर होगी भी तो आपके लिए नहीं होगी, वो सभी के लिए लागू होगी, सभी पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मत घबराइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, मात्र 15 दिन का समय बचा हुआ है, और इस 15 दिन के समय में आप जितना ज्यादा अधिकतम रिवाइज कर लेंगे उतना ही आपके बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर, अफवाहों पर या जो भी है रूमर्स घूम रहे हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो भी होगा उसको देखा जाएगा, बस हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो आने वाली परीक्षाएं आती हैं उनमें तो आपको माइनस मार्किंग का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका इसी में सिलेक्शन हो जाए और आपको जो है फिलहाल छुट्टी मिल जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए, एक नौकरी हाथ में आ जाए, ठीक है। ये हमारी कोशिश है। और एक सूचना और आपको देना चाहूंगा कि हम जल्दी ही एक करंट अफेयर्स की सीरीज भी लाने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स ये तो कॉमन सीरीज थी, इसमें सारे सब्जेक्ट थे, एक करीब जो है 5 या 7 वो मतलब सीरीज रहेंगी उसमें, मतलब एक करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज होगी, ठीक है। तो वो जो है लॉन्च होने वाली है इस सीरीज के जस्ट बाद, ठीक है। और वह सीरीज बिल्कुल निशुल्क होगी, यानी कि बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं होगी, निशुल्क होगी, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें करंट के अधिकतम क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपके करंट के क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। उसकी घोषणा हम जल्दी करेंगे कि कब से प्रारंभ होगी और कैसे आपको मिलेगी, ठीक है, उसके बारे में जल्दी आपको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग देख लेते हैं, करंट अफेयर्स पहला वाला वीडियो। आप लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने देखा, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे साथ 10-15 मिनट तक बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी ये उड़ीसा
ने अपने जो है रज को राज्यगान का दर्जा प्रदान किया है और वहां के मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, यानी कि वंदे उत्कल जननी अब उड़ीसा का राज्यगान होगा, यानी कि इसको उड़ीसा के राज्यगान का दर्जा दिया गया है और वहां के मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा ने की थी। ठीक है, सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा ने इसकी रचना की थी। ये पूछा जा सकता है कब की थी, 1912 में किसने की थी, इन्होंने की थी और इसको उड़ीसा का राजगान का दर्जा प्रदान किया जाएगा, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो है गैरसैंण। ठीक है, चमोली जिले में पड़ता है उत्तराखंड के गैरसैंण। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी है, अगर आपको मालूम हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों को मुफ्त और कैशलेस इंश्योरेंस यानी कि बीमा प्रदान किया है, किसने, महाराष्ट्र राज्य ने, ये देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, एफआईआर आपके द्वार, ये पहल है एफआईआर आपके द्वार, आपको जाना नहीं पड़ेगा, किस राज्य ने शुरू की है, ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है, एफआईआर आपके द्वार। नेक्स्ट है, 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, आपको पता होगा कि जो है पूरे देश के लिए एक राशन कार्ड योजना चलाई गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को इस योजना से जोड़ा गया है या कितने राज्य जुड़ चुके हैं, तो वो है 17 राज्य। ठीक है, याद रखिएगा 4 मई 2020 तक 17 राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है, तो ये बंगलुरु का हवाई अड्डा है, कर्नाटक में है, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहां पर की गई है, ये बिहार का एक जिला है खगड़िया और खगड़िया जिले के गाँव है तेलिहार। ठीक है, तेलिहार गाँव में, बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव में गरीब कल्याण योजना रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको उद्घाटन किया था और गांवों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है, ताकि गांव में लोगों को आजीविका के रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े, इस वजह से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय, ठीक है, योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया है, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया है। ये योग विश्वविद्यालय ऐसा है जो भारत के बाहर पहला ऐसा है विश्वविद्यालय जो योग विश्वविद्यालय है, लॉस एंजलिस में इसका उद्घाटन किया गया, वहां पर बनेगा। और जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्रदान पाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य सरकार ने जो वहां के जनजाति छात्र थे, ST वर्ग के छात्र, उनके लिए आवास छात्रावास बनवाए थे, ताकि वो वहां पर रह करके अपनी शिक्षा को पूरा कर सके, अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके, तो इसके लिए ISO प्रमाण पत्र उनको प्रदान किया गया। नहीं, यानी वहां पर जो सुविधाएं थी और जो फैसिलिटीज थी उनके आधार पर देखा गया है, तो ये देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसको ISO प्रमाण पत्र इस पहल के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, इसरो, इंग्लिश में लिखते हैं ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, सॉरी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को उसके किस गारमेंट के लिए जून 2020 में पेटेंट मिला है। ठीक है, ये है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, शॉर्ट में कहते हैं LCHG। ठीक है, ये क्या है, ये LCHG एक मानव अंतरिक्ष यान के लिए सुरक्षात्मक कवच है। ठीक है, एक मतलब की फिटिंग सूट है, ये सुरक्षात्मक कवच है जो कि गर्दन से पैर तक सभी अंगों को पूरा कवर कर लेता है, यानी कि यहां से हाथ अगर तो पहना जाएगा, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, तो उनको ये पहनाया जाता है, गर्दन से पैर तक पूरा ये कवर कर लेता है।
तो इसके लिए इसको जून 2020 में पेटेंट मिल गया है। पेटेंट क्या होता है, ठीक है, पेटेंट आपको जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे पेटेंट क्या होता है, ठीक है। यानी कि अब ये ऐसा कोई कोई कंपनी या कोई संस्थान ऐसा दूसरा सूट नहीं बना सकती है, ठीक, पेटेंट हो गया उसका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, किस राज्य ने शुरू की है, ये त्रिपुरा ने शुरू की है। और ये क्या करेगा, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने की इसको शुरुआत की गई है। जो बच्चे महिलाएं फीडिंग कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराने वाली या जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको पोषण किट दी जाएगी, ठीक, उसमें दवाएं भी रहेंगी, खाने पीने का सामान रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी ताकि उनको उचित जो है पोषण स्तर प्राप्त हो सके। त्रिपुरा राज्य ने योजना शुरू की है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, ठीक है। नेक्स्ट है एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किस गैस के लीक या विषाक्त के कारण 11 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस गैस का नाम है स्टाइरीन गैस, आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये कारखाना स्थित है। 6-7 मई की रात को ये घटना हो गई थी, स्टाइरीन गैस का प्लांट से लीकेज हो गया था तो वहां पर 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत दुखद घटना थी, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न संभवतः पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा, कौन सी गैस है, स्टाइरीन गैस, ठीक है, और 11 लोगों की मृत्यु हो गई 6-7 मई की रात को, और विशाखापट्टनम में ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है 100% घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है, और जुलाई 2020 में इसने अपने राज्य के सभी घरों में 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया है। कोई भी अब चूल्हे से जो है लकड़ी से खाना नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेल ने किस नाम से अपना पहला रेल भोजनालय शुरू किया है, ये है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, ये भारतीय रेल ने शुरू किया है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, और ये बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर इसको प्रारंभ किया गया है, स्टार्ट किया गया है, शुरुआत हुई है, और किस लिए, यानी यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए, यानी जो रेल यात्री हैं वो भी उपयोग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और जो आम लोग हैं, आम पब्लिक, वहां के लोकल लोग हैं वो भी वहां से खाना लेकर के खा सकते हैं। तो ये भारतीय रेल ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील ये एक भोजनालय अपना शुरुआत किया है। नेक्स्ट, पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा है, ठीक है, यानी कि ये निर्माण क्षेत्र का संगठन है NHAI, पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, ये पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया। आपने देखा भी होगा कि अब जो टोल टैक्स वगैरह वसूला जाता है एकदम फास्टैग हो गया है, मतलब गाड़ी को रुकने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, पैसा वहां से चला जाएगा, आपको मतलब वहां से पर्ची कटाने की या रुकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, पूरी तरह से डिजिटल हो गया है ये। नेक्स्ट है किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है, तो CSIR के द्वारा ये आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए। नेक्स्ट है पंचवटी नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो हिमाचल राज्य ने इसकी शुरुआत की है। काम इसका क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है, पंचवटी योजना। अगला है ICGS सचेत, ये भारतीय तटरक्षक बल की एक पनडुब्बी है या कहो तो पोत है, और इसका हाल ही में जलावतरण किया गया है, मतलब ये यूज में आ गई है, इसका किया गया 15 मई 2020 को इसका जलावतरण किया गया है, और हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं श्री राजनाथ सिंह जी उनके द्वारा इसका जलावतरण किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था, वहां गए नहीं थे वो। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, और इसमें क्या होगा कि राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी जहां राज्य के जितने भी लोग हैं सबको चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पहली महिला पुलिस निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, R Srilekha, काफी इंपॉर्टेंट है, केरल की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त की गई है R Srilekha, और
दो पेंटिंग्स हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त किया गया। दोनों पेंटिंग है, एक है सोहराई खोबर, ये झारखंड की है, दूसरा है तेलिया रुमाल, ये तेलंगाना की, याद रखिएगा, तेलिया रुमाल तेलंगाना की, सोहराई खोबर झारखंड की है। और अंतिम है उत्तराखंड में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी जिले में, राज्य के यानी कि उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का, बायोडाइवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया गया है, जहां पर विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां होंगी। तो ये था आज का दूसरा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एक बढ़िया सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कैसा आपको लगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर जल्दी से अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।